नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जुलाई गुरुवार दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान में पिछले सप्ताह से चल रहे पॉलिटिकल ड्रामा में बड़ा कदम आज सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की ओर से उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस के खिलाफ पायलट व उनके समर्थक 18 विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, जिसकी दोपहर बाद सुनवाई होनी है। वहीं बसपा के 6 विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी चुनौती दी गई है और राज्यपाल को तथ्यों से अवगत करवाया गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक नर्सिंग होम में एक लड़की ने आज सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे नर्सिंग होम के डॉक्टरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उसको दूसरे निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह लड़की जिले की एक मंडी की रहने वाली बताई गई है। जहर खाने के कारणों की जवाहरनगर थाना पुलिस जाँच कर रही है। युवती की पहचान लखवीर कौर के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर जिले में राजस्व कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकती है। जिला कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षक जगदीश कामरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए बैठक का आयोजन किया जाना है। उन्होंने बैठक में कल शाम को 4 बजे होगी। इसके लिए जिला कलेक्टर की ओर से एक कमेटी गठन कर दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले में एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रावतसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कस्बे की ही युवती ने आरोप लगाया है कि वह राजेश कुमार नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसने शादी करने का कहकर करीब 3 वर्षों तक उसको अपने साथ रखा, बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। राकेश कुमार निकटवर्ती चाइया गाँव का निवासी है। श्रीगंगानगर जिले में बुधवार दोपहर बाद श्रीगंगानगर जिले में 5 नए रोगी मिले हैं। इनमें एक जिला मुख्यालय का था और शेष सूरतगढ़ क्षेत्र के हैं। जिला मुख्यालय पर मिले मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई थी। रोगी दरभंगा जिले से आया था। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गुरुवार प्रातः दिन निकलते ही बांबू कॉलोनी पहुँच गए थे। कर्मचारियों ने घर घर जाकर सर्वे किया, लोगों की हेल्थ व ट्रैवल हिस्ट्री तैयार की। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक घर से चोरी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी राजकुमार ने दर्ज करवाए मुकदमे में बताया कि वह परिवार सहित बीती रात को कमरे में सोया हुआ था। रात 3 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति उसके मकान में घुस आए और कमरे में रखे 2 लैपटॉप तथा 8,000 रुपये नकदी चोरी कर ले गए। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा आज प्रातः अपनी ही कार्यालय की जांच के लिए निकलते तो उन्हें कुछ कर्मचारी फोन पर व्यस्त मिले। कलेक्टर श्री वर्मा ने इसको गंभीरता से लिया है और संबंधित कर्मचारी को जमकर फटकार पिलाई। डीएम ने राउंड पर निकलने की सूचना मिलते ही पूरे दफ्तर के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उल्लेखनीय है कि नए जिला कलेक्टर ने लगभग 2 सप्ताह पहले कार्यभार संभाला है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में एक मकान से चोरी हो जाने की जानकारी मिली है। पुलिस ने बताया कि विनोद कुमार राजपुरोहित के मकान में चोरी हुई है। चोर एक कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए नगद व 5 तोला सोने के जेवरात चोरी कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को राउंडअप किया है। सूत्रों ने बताया कि राउंडअप किए गए इन 2 जनों से चोरी हुआ कुछ सामान भी बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर से पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। मटीली राठान पुलिस ने आज एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोग इस गुब्बारे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। पुलिस ने इस गुब्बारे को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दौलतपुरा गांव के पास एक खेत में संदिग्ध गुब्बारा मिला है। इस गुब्बारे पर उर्दू और अंग्रेजी के शब्द लिखे हैं। गरसाना पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले जालवाली गांव के पास भंवरलाल नामक व्यक्ति से मारपीट कर 25,000 रुपये नगद और मोबाइल फोन छीनकर ले गए थे। कल शाम को ही भंवरलाल ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसका आरोप था कि वह मोटरसाइकिल लेकर एक भट्टे पर ईंटों की साई देने जा रहा था। उसी दौरान 2 बाइक पर आए युवक उसके साथ मारपीट कर रुपये और मोबाइल फोन छीनकर ले गए थे।
श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर मार्ग पर बाइक से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर अनूपगढ़ थाना पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि अनूपगढ़ निवासी इंदर सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसका पुत्र जरनैल सिंह बाइक लेकर श्री विजयनगर की ओर जा रहा था। नौ टीके के पास अचानक उसकी बाइक के आगे कोई जानवर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में जरनैल सिंह अपनी बाइक का नियंत्रण खो बैठा। इस कारण वह बाइक सहित गिर गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.